अहिर समाज के लोगों ने भारत चाइना बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को याद करते हुए रैली निकाली। इस रैली के बाद समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर सेना में जिस तरह के गोरखा राजपूत रेजिमेंट का गठन किया गया है, उसी तरह अहिर समाज के लोगों ने अहिर रेजिमेंट गठित करने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा वीर चक्र पाने वाले अहिर समाज के लोग हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि देश की रक्षा में जब सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग शामिल हैं तो उनके नाम के एक रेजिमेंट भी बनाई जाए। आइए दिखाते हैं रैली और सुनाते हैं समाज के लोगों ने क्या मांग की है। रैली जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है? किस लिए निकाला जा रहा है? राकेश यादव द्वारा। राकेश यादव 18 नवंबर 1962 में चाइना और भारत की लड़ाई में वहाँ पे चुसूर घाटी दर्रा कहलाता है, वहाँ पे 13 पाऊ रेजिमेंट के 130 जावास हमारे सैनिक थे और चाइना के 3000 सैनिक थे। बर्फीली चोटी -48 डिग्री सेल्सियस में हमारे वीर सिपाही 120 सिपाही 3000 चीनी सैनिकों का सामना किया। वहाँ से नीचे से ज्ञापन भी सौंपा है आप लोगों को। ज्ञापन हमारा अहिर रेजिमेंट की मांग है कि हमारे सेना में हर सभी समाज के क्षत्रिय राजपूत गोरखा जाट बंगाल जितने भी सभी रेजिमेंट बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र हमारे यादव समाज को मिला हुआ है। देश की हमारी 22% आबादी है, उसमें से 16% हमारे सैनिक हैं, यादव सैनिक 16% है हमारे हिंदुस्तान में। हम चाह रहे हैं कि हमारे अहिर यादव वीर सिपाही हैं, उनके भी नाम से अहिर रेजिमेंट बने। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।